सो आज के दर्स का आगाज़ हम जनाब मज़हर हुसैन साहब के सवाल से कर रहे हैं। फ़ेल अम्र जिसे हम अंग्रेज़ी ज़बान में इम्पेरेटिव टेंस कहते हैं, तो डॉक्टर शमीम साहबा जब होती है ना तो मैं जिस वक्त को अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलता हूँ तो मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। नहीं 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 मैंने अंग्रेजी की बात की है। ये आप अथॉरिटी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ऐसा है कि इसका जो आसान सा असूल है फ़ेल अम्र बनाने का कि कोई भी अगर हमारे पास मस्दर होगा तो हम सबसे पहले उस मस्दर के फ़ेल मुज़ारे पर पहुँचेंगे या उसके सिता के हाल को जो है हम पहुँच जाएंगे। और फ़ेल अम्र बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो है किसी भी मस्दर का सिता के हाल या उसका फ़ेल मुज़ारे होना चाहिए। मसलन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मस्दर है ख़ानदन, तो ख़ानदन के मानी पढ़ना है, ख़ानदन मस्दर है, लेकिन इसके आखिरी हर्फ नून जब हटाएंगे तो बाकी लफ्ज़ रह जाएगा ख़ान। लफ्ज़ ख़ान से मुराद ये है कि उसने पढ़ा, ख़ानद उसने पढ़ा। और जिस वक्त हम इसका सिता के हाल पढ़ेंगे तो वो दाल भी ख़त्म हो जाएगा और तन्हा लफ्ज़ ख़ान रह जाएगा। खे वाव अलिफ नून ख़ान, वाव जो है उसको हम तलफ़ुज़ नहीं कर रहे। तन्हा लफ्ज़ ख़ान जो है जब ये इसको बतौर इस्म हम देखेंगे तो इसके मानी में बहुत सारी तब्दीली आ जाएगी और ख़ान जो है वो हम कोई भी चीज़ जो है वो खाने के लिए जब कोई बिसात बिछाते हैं दस्तरखान के लिए भी आता है। तो ये जो है फ़ेल भी है और ये इस्म भी है। मस्दर अगर फ़र्ज़ करें आपके पास है निवेशतन, तो इसका जो सिता के हाल या मुजारे होगा वो नवीस होगा। अगर आपके पास मस्दर रफ्तन है तो इसका सिता के हाल रो होगा। अगर जो है आवर्दन है लफ्स तो इसका जो सिता के हाल है वो आवर होगा। उफ्तादन से ओफ्त, अंदाख्तन से अंदाज, बरगश्तन से बरगार्द और कार करदन से कारकुन होगा। अब हमने सिर्फ छोटा सा काम करना है और वो ये है कि हमने फ़ेल मुज़ारे से पहले एक बे का इजाफ़ा करना है और ये बे जो है जो कि एक प्रीफिक्स ऑफ इम्पेरेटिव कहलाती है जिसको हम पीशवंद अमरी कहते हैं। तो ये बे का इजाफ़ा जब किया जाता है तो ये जो है वो फ़ेल अम्र हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन जिस वक्त हम बे का इजाफ़ा करते हैं तो साथ ही साथ फ़ेल के आखिर पर एक कॉन्जुगेशनल एंडिंग जो है जिसको आप शनासह सरफ़ी कहते हैं उसका इजाफ़ा करना पड़ता है। तो वो है मीम, ये, दाल, यम, यद, नद। मज़े की बात यह है कि जिस तरह फ़ेल माजी में हम फ़कत और फ़कत पांच शनासाई सरफ़ी इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल माजी में शनासाई सरफ़ी दाल जो कि सिवम शख्स मुफ़रद के लिए है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की जो अलामत है दाल उसको हम फ़ेल माजी में इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए फ़ेल माजी में शनासाई सरफ़ी जो हैं जो कॉन्जुगेशनल एंडिंग्स हैं इसकी तादाद फ़कत पांच रह जाती है। अब हम एक एक करके तो जो छः सीगे हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो हैं मन, थो, ऊ,
मा शुमा आन्हा, हम इनका फ़ेल अमर में तजिया करते हैं। और वो यूँ है कि फ़र्ज़ करें सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है मन। तो जब हम मन को देखते हैं तो मन से फ़ेल अमर जो है नहीं बनेगा, चूँकि हम अपनी ज़ात को कोई हुक्म नहीं दे सकते। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ जाओ कश्मीरी ये काम करके आओ। लिहाजा ये फ़ेल अम्र से ये आउट हो गया, ये पहला जो सीगा मन है इससे फ़ेल अम्र नहीं बन सकता इससे मुतल्लिक। दूसरा जो सीगा है वो है तो, यू सिंगुलर, दोवम शख्स मुखातिब, सेकंड पर्सन जो है जिसको आप जो है एड्रेस करते हैं उसको हम यकीनी तौर पर हुक्म दे सकते हैं। फ़ेल अम्र जो है ये आप मत समझें कि ये सिर्फ़ किसी एक शख्स को दूसरे शख्स को हुक्म देने के लिए ही फ़ेल अम्र जो है इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि फ़ेल अम्र जो है किसी भी दरख्वास्त करनी हो हमने किसी को तो तब भी हमने वो भी फ़ेल अम्र कहलाएगी। फ़र्ज़ करें आप किसी को दावत देते हैं कि आप कल हमारे यहाँ रात का खाना खाइए, तो उसका तरीक़ेकार वही होगा जो कि आम फ़ेल अम्र का तरीक़ेकार है। सो किसी शख्स को किसी काम के अंजाम देने के बारे में हुक्म करना या किसी से दरख्वास्त करना, ये दोनों फ़ेल अम्र के ज़ुमरे में आते हैं। अब मन जो है ये तो आउट हो गया इससे, क्योंकि हम अपनी ज़ात को हुक्म नहीं दे सकते। तो जो है जब हम जुमला ऐसा बनाएंगे कि तू ये काम कर, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ फ़ेल अम्र जो है वो रवा है, यहाँ फ़ेल अम्र जो है वो जायज़ है, तो इसका फ़ेल अम्र बन सकता है। और तो जो है उसका शनासा सरफ़ी ये है। अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जो सीगा है वो ऊ है। तो वो शख्स जो हमारे सामने नहीं है हम उसको जो है बिलमुशाफ़ा कोई अमर उसको नहीं कह सकते, उसको कोई हुक्म नहीं दे सकते, उससे कोई दरख्वास्त नहीं कर सकते। ये एक अलहदा बात है कि आपको किसी आप किसी शख्स से जो कि गायब है, थर्ड पर्सन है, और वो ऑन टेलीफोन आप उससे रابطہ करें, लेकिन जिस वक्त टेलीफोन पर رابطہ करेंगे तो फिर वो ही या शी नहीं रहेगा, फिर वो यू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर एक शख्स आपके साथ टेलीफोन पर رابطے में है तो आपका जो है वो अगर स्क्रीन पर आप एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो फिर जो है शख्स जो है सेकंड पर्सन हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन नहीं होगा। तो थर्ड पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई शख्स आपकी नज़रों के सामने नहीं है आप उसको जो है कोई हुक्म नहीं दे सकते, दरख्वास्त नहीं कर सकते, तो ये भी फ़ेल अम्र से ख़ारिज हो गया। चौथा जो सीगा है वो है माँ वुई, हम। तो हम अपनी ज़ात को कोई हुक्म नहीं दे सकते। हम अगर दो चार बंदे बैठे हुए हैं तो कहते हैं भी हम ये काम करें, नहीं, ये एक तजवीज़ हो सकती है, अपनी ज़ात को हुक्म नहीं हो सकता। फिर ये भी आउट हो गया। फिर उसके बाद पांचवा सीगा जो आता है वो प्लूरल का आता है कि सेकंड पर्सन प्लूरल, यानी दोवम शख्स मुखातिब जमा, जिसको अंग्रेज़ी में आप यू प्लूरल भी कहते हैं। तो यकीनी बात है कि हम एक बंदे को भी हुक्म दे सकते हैं, एक बंदे को दरख्वास्त कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा बंदे अगर हमारे सामने बैठे हुए हैं तो हम उन्हें भी कह सकते हैं। अगर आपके पास क्लासरूम है तो आप कह सकते हैं बच्चों को कि भी अब जो है इस वक्त जो है जंगे तफरी है, रिसेस पीरियड है, और आप सभी के सभी बाग में आ जाएँ, पार्क में आ जाएँ, पार्क में चले जाएँ। तो ये यहाँ जब ये चीज़ फ़ेल अम्र में शामिल होगी तो इसका शनासा सरफ़ी ये दाल होगा, और ये भी
फेले अम्र का हिस्सा होगा। छठा जो सीगा है वो है अनहा, वो सब या ईशान वो सब, तो वो जमा हजरात जो एक से ज़्यादा और मौजूद नहीं हैं वहाँ जो है वहाँ भी फेल अम्र लागू नहीं होता। तो ये छोटे से तजिए से जो चीज़ साबित हुई वो ये है कि जिस तरह फेल अम्र जो है फेल माजी जो है उसके अंदर शनासा सरफ़ी की तादाद एक असूल के तहत जो है वो 5 रह जाती है, तो फेल अम्र में जो है जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं वो सिर्फ 2 रह जाते हैं, एक तो रहता है और एक शुमार रहता है। तो इसलिए यहाँ शनासा सरफ़ी की तादाद सिर्फ 2 रह जाएगी, एक ये है और एक यद है। बस 5 मिनट बाद उसे पढ़ना है, उसका टाइम 4:45 शुरू हो गया। तो यह है कि फेल अम्र में शनासा है सरफी की तादाद जो है अभी तक इस लहजे तक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2 है, एक तो है उसमें और एक शुमा है। तो इसी तरह उनके जो शनासा सरफी हैं वो भी 2 हुए, एक ये हुआ एक ये दाल है। अहले ईरान ने एक जो है असूल बनाया है और वो असूल ये है कि फेल अम्र में जिस वक्त आपका मुखातिब एक शख्स होगा तो फिर आप उस फेल मुजारे या सिता के हाल से पहले बे का इजाफा तो करेंगे लेकिन उसका जो शनासा सरफी ये है उसको आप हजफ कर देंगे। मसलन रफ्तन से रो बोरो, हालांकि होना ये चाहिए बेरवी, ये का इजाफा करना चाहिए, लेकिन अहले ईरान फेल अम्र में दोवम शख्स मुफरत का शनासा सरफी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यही रफ्तन से जब रो होगा और जमा का सीगा होगा तो वो बनेगा बेरवीद, आप जाइए आप सब जाइए। खोरदन इसका खोर होगा, बुखोर बुखरी बुखोरी नहीं कहेंगे हम, ये का इस्तेमाल नहीं कहेंगे, लिहाजा फेल अम्र में एक अगर शख्स हमारा मुखातिब है तो हम फ़कत बुखोर कहेंगे और अगर एक से ज़्यादा मुखातिब है तो बुखोरीद कहेंगे। लिहाजा बुखोरीद जब हम कहेंगे तो ये दाल को इस्तेमाल किया, जिस वक्त तनहा शख्स एक होगा तो बुखोरी का ये हजफ हो जाएगा और खाली बुखोर, यानी बुखोर बेशीन बेनवीस बेखाब बोरो बिया क्या कहते हैं बेजान, ये जितने भी आप एक शख्स को मुखातिब करेंगे तो वहाँ आपका शनासा सरफी इस्तेमाल नहीं होगा। तो लिहाजा हमने जो बात सीखी अब वो ये है कि फेल अम्र में सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ एक शनासा सरफी ये दाल इस्तेमाल होगा, अगरचे उसके जो दोनों सीगे हैं तो और शुमा उसके फेल मुजारे से पहले बे का इजाफा किया जाएगा, लेकिन जब आपका मुखातिब एक शख्स होगा तो उसके फेल के साथ ये का इजाफा नहीं होगा, और अगर आप एहतरामन जो है एक शख्स को तो की बजाय शुमा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसके साथ ये दाल का सीगा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब 10 मिनट का हम वक्फ़ा करेंगे और फिर 10 मिनट के बाद हम दोबारा यहाँ से जो हमने सिलसिला छूटा है यहीं से दोबारा इसका इदामा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। तो हाज़रीन मैं आपसे ये सवाल है कि यहाँ तक जो कुछ मैंने बयान किया है कोई अबहाम हो कोई किसी जगह, हालांकि कोई ऐसी बहुत सारे नुकात तो बयान किए गए नहीं, सिंपल था एक जो कुछ भी बयान किया गया चलिए अब हम इसके जो इसके बाद जो थोड़े से इसके जो
छोटे छोटे उसके बारीक से नुकात हैं उनको हम डिस्कस कर लें। असल में बुनियादी नुक्ते वही थे जो कि हमने सीखे हैं कि किसी भी मसदर के सिता के हाल से पहले बे का इजाफा कर दिया जाए। और बे जो है उसके बारे में भी ये है कि अक्सर जो है जो फेले मुजारे होंगे उससे पहले जो बे होगी उसके नीचे कसरे होगा, ज़ेर होगी, और जो फेले मुजारे बे और पेश से की आवाज़ से शुरू हो रहा होगा उसके पहले जो बे लगाएंगे उस पर जो है वहाँ भी हम जो है वो पेश पढ़ेंगे। जैसे बोरो, बेरो नहीं कहेंगे, लफ्ज़ बोरो होगा, और ख़ान जो है ख़ानदन से वहाँ बेखान होगा। तो अब ज़रा आगे हम बढ़ते हैं, मैं इन नोट्स की दोबारा तौज़ीह आपको दे दूँ अंग्रेज़ी ज़बान में, और वो ये है कि द इम्पेरेटिव ऑफ सिंपल वर्ब इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिशन of the prefix be to the present stem. Present stem से मुराद फेले मुजारे है या सिता के हाल जिसे हम कहते हैं। When the present stem beginning with the syllable by o or o, the imperative prefix change टू बे पेश ओ। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया कि जैसे रो की मैंने मिसाल दी तो उससे पहले जो बे होगा वो आप उसको जो है बे पर पेश पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरे जो प्रीफिक्सेस होंगे उसमें बे के नीचे जो है वो ज़ेर पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर आपका जो सिता के हाल है अगर उसकी इब्तिदा जो है किसी वावल से हो रही है, फ़र्ज़ करें अलिफ से हो रही है, तो उसके साथ जब हम बे का इजाफ़ा करेंगे तो दरमियान में एक याए मियांजी जो है उसको हम इजाफ़ा करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो फेल है आवर्दन है, आवर्दन से जो मुजारे होगा वो होगा आवर, तो आवर जो है उससे पहले जब हम बे लगाएंगे तो अलिफ और बे के दरमियान एक ये का इजाफा हो जाएगा और वो लफ्ज़ बन जाएगा बी ओवर। फिर इसी तरह जो है एक और नुक्ता है कि द इम्पेरेटिव ऑफ मोस्ट कंपाउंड वर्ब इज़ फॉर्म्ड विदाउट प्रीफिक्स। जो भी हमारे अफ़ाले मुरक्कब होंगे, मस्तर मुरक्कब होंगे, वहाँ हम जो है बे का इजाफा नहीं करेंगे। उसकी मिसाल बड़ी वाज़े है, जैसे कि आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि कारकर्दन, तो कारकर्दन का सिता के हाल बनेगा कारकुन, तो हम कारबुकुन नहीं कहेंगे, हम कारकुन ही कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुरक्कब मसादर जिनका आखिरी मसदर करदन या शुदन होगा उसके साथ आपने बे का इजाफा नहीं करना है। सर ये तो हमने पहले पिछले हमने मीना टू में पढ़ी, बिल्कुल आपने पहले पढ़ लिया था और वो वही असूल जो है वो यहाँ जो है वो लागू हो जाएगा। फिर इसमें एक और नुक्ता जो है वो है द नेगेटिव इम्पेरेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय नेगेटिव प्रीफिक्स नून। तो जहाँ बे होता है बे का नुक्ता नीचे से उठाकर आप ऊपर लगा देना तो सिंपली इट्स वेरी सिंपल, तो आपका वही जो फेले अम्र है वो फेले नहीं में तब्दील हो जाएगा, फिर वो फेले अम्र नहीं रहेगा, वो फेले नहीं हो जाएगा। जैसे लफ्ज़ है बुखान तो बे को नीचे से नुक्ता उठाकर ऊपर लगा दे नाखून, यानी तू मत पढ़, या फिर यह है कि नाखानीद, अगर जमा का सीज़ा आपके मुखातब एक से ज़्यादा है तो आप उसके साथ ये दा लगाएंगे तो आप कहेंगे नाखानीद, और अगर आपका मुखातब तनहा है तो आप सिंपली फेले मुजारे से पहले बे लगाएंगे उसके साथ ये का इजाफा नहीं होगा। रफ्तन है
रफ्तन से रो बोरो, लेकिन इसको आपने नेगेटिव करना है, फेल नहीं में बदलना है, तो बे का नुक्ता नीचे से उठाकर ऊपर लगा दें तो वो हो जाएगा नरो, और अगर आपके एक से ज़्यादा लोग मुखातिब हैं तो हम कहेंगे नरवीद। अगर आवर्धन है जिसके मानी टू ब्रिंग होता है लेकर आना, तो जब हम उससे फेल अम्र बनाएंगे तो वो बनेगा बियावर, और अगर एक से ज़्यादा आपके पास मुखातिब हैं तो हम कहेंगे बियावरीद, और जब हम इसको फेल नहीं में बदलते हैं तो हम बे का नुक्ता उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो नयावर और या फिर नयावरीद। एक बात आपको ज़ेहन नशीन रखनी चाहिए कि ये जो मसर आवर्धन है इससे जिस वक्त हम फेल अम्र बनाते हैं तो उसका जो वाओ है ये अक्सर ये भी हजफ कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं बियार या नयार, बियारीद नयारीद, वाओ दरमियान में से हजफ हो जाता है। वही आवर्धन का ही जो सिता के हाल है गुफ्तारी में जो है वाव के बगैर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरह जी बड़ा आसान है, कोई भी आपका जो फेल है जो कि फेल मुजारे है, अगर उसकी इब्तिदा अलिफ पर हो रही है, अलिफ मद आ पर हो रही है यानी वावल पर हो रही है, तो उससे पहले जब बे अमर की बे लगाएंगे आप तो दरमियान में एक ये का इजाफा करेंगे। मसलन आप कहते हैं आमदन, आमदन से आमद उसका सिता के गुज़श्ते हो गया और उसका हाल होगा आ, तो आ से पहले जब आपने बे लगाना है तो हम अगर वो तो बा बन जाएगा लेकिन दरमियान में एक ये का इजाफा करना पड़ेगा और वो लफ्ज़ बन जाएगा बिया यानी तू आ। असल में जो असूल है उसके तहत तो होना चाहिए था बियाई, उसके बाद ये का इजाफा होना चाहिए था और ये के दरमियान भी एक ये का इजाफा इसलिए होना चाहिए था क्योंकि जो अलिफ है ये एक ऐसा जो है वो फेले जू वजहेन है, इसकी दोनों शक्लें हैं, ये इसको दाईं तरफ से भी आप पढ़ें तो तब भी अलिफ होगा, बाईं तरफ से आए तो तब भी अलिफ है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक लफ्ज़ नान है रोटी के लिए लफ्ज़ नून अलिफ नून नान, नान को आप दाईं तरफ से पढ़ें या बाईं तरफ से पढ़ें वो नान ही होगा, रोटी ही होगी। इसी तरह अलिफ जो है उसको चाहे आप उसके दाईं तरफ किसी चीज़ का इजाफ़ा करें चाहे आप बाईं तरफ किसी चीज़ का इजाफ़ा करें, उसके दरमियान में आपको दोनों तरफ ये लगाना पड़ेगा। तो ये लफ्ज़ अगर अलिफ मद आ है आमदन से तो जब पहले बे लगाएंगे तो ये हो जाएगा बिया, अगर यह आप बतौर फ़ेल अम्र इस्तेमाल करेंगे तो इसका ये बज़ाहर जो है इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो जब जमा होगा तो बिया यीद होगा, ये दाल के दरमियान में फिर एक और जो है एक ये का इजाफ़ा कर दिया जाएगा। लिहाजा आप जब एक फेल अम्र के जमा के सीगे को इस्तेमाल करेंगे तो अलिफ मद आ से पहले बे लगाने के लिए भी दरमियान में ये लगाना पड़ेगा और ये दाल और अलिफ मद आ के दरमियान भी एक ये जो है इजाफ़ा करना पड़ेगा। फ़ारसी ज़बान में ये के बाद दीगरे दो ये जो हैं फ़ारसी इमला में जायज़ हैं, जबकि हमारे यहाँ जो है आप देखें जब हम लफ्ज़ भाई लिखते हैं तो बे अलफ भा और हमज़ा और ये कर देते हैं, हम दो ये इकट्ठी के बजाय एक हमज़ा और एक ये लिखते हैं, लेकिन अहले ईरान हमज़ा की बजाय दो ये इकट्ठी लिख लेते हैं तो उसमें वो कोई मसला नहीं है। अब फ़ुरू रफ्तन जो है तो क्या आप इससे फेले अमर बनाना चाहते हैं? जी जी, तो फिर आपने इसके बाद जो फ़ुरू रो होगा ना तो रो जो है ना आप उसके पहले बे नहीं लगाएंगे क्योंकि मुरक्कब जो आपके अफ़आल हैं वहाँ आप बे अमर का इजाफा नहीं करेंगे उसके दूसरे हिस्से में। फ़ुरू रवी
दो मस्तर हैं बोर्दन और बुरीदन। जी जी। तो सर इनके साथ जो पहले अबर लगा के थोड़ा सा वजाहत करते हैं, सिर्फ तलफ़ के हवाले से, बस बोर्दन का हो जाएगा बरद बेबर। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, जिनको ख़ातमुश्शोरा कहा जाता है, वो कहते हैं बेबर इन जान मुश्ताक हम दर ऊंजा, बेबर यानी इस जान को ले जाओ वहाँ, बेबर इन जान मुश्ताक हम, वो मेरी जान वो मेरी रूह जो के इश्क रखती है, मुश्ताक है, इश्तियाक से भरपूर है, फिदा ये रोज़े खैरुल बशर कुन, और इस जान को खैरुल बशर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर कुर्बान कर दे। ये बेबर का इस्तेमाल आ गया आपके सामने। बुरीदन सर, तो बुरीदन भी इसी तरह बेबोर, बेबोर हाँ बिल्कुल है। तो ये है, बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं। आगे हम चलते हैं। जो असल में आज जो इन्होंने सवाल किया था वो था सवाल बूदन का, द इम्पेरेटिव ऑफ बूदन, जिसको आप अंग्रेज़ी में टू बी भी कहते हैं, इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम प्रेजेंट स्टेम्प बाश। ये मैं इससे पहले भी वाज़े कर चुका हूँ, मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि बूदन बूद, और इसका जो फ़ेल मुज़ारे कदीम होता था वो होता था बवद, जो अब मतरूक हो चुका है। लिहाजा बवद जो है वो असल में बू और उसके बाद दाल का जो शनासा सरफी है उसकी शक्ल है प्रेजेंट की। बवद के मानी है के होते हैं, इस के होते हैं, प्रेजेंट के, लेकिन ये लफ्ज़ मतरूक कर दिया गया है, मतरूक हो चुका है, क्योंकि बूद और बवद को लिखने में इमलाई एतबार से दोनों एक जैसे हैं, इसलिए कि फ़ारसी ज़बान में आराब गुजारी जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिहाजा एक फ़र्ज़ी मस्तर जो है वजूद में आता इस तरह के, बवद की बजाय वहाँ बाश को इस्तेमाल किया जाता रहा और आ रहा है, किया जा रहा है, और बाश से नया मस्तर जो बनता है वो बनता है बाशीदन, बाशीदन बाशीद बाश, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, बूदन की प्रेजेंट फॉर्म है। तो लिहाजा जिस वक्त हमने जो है बूदन से फेले अम्र बनाना होगा तो फिर हम फेले बाश से बनाएंगे, और बाश से पहले एक असूल है कि कभी भी उससे पहले बे का इजाफा नहीं लगाया जाएगा। हम नहीं कहेंगे बेबाश, नहीं, तन्हा बाश कहेगा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और उसके लिए जो दूसरा इनका सवाल था वो ये था कि द इम्पेरेटिव ऑफ दाश्तन टू हैव इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दाश्तन एंड द इम्पेरेटिव ऑफ बूदन। तो जिस वक्त आपने दाश्तन को जो है किसी वक्त जो है इस्तेमाल करना है फ़ेल अम्र में, तो फिर आप वहाँ भी बाश का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे मसलन शुमा इन पूल रहा पीछे खुद दौशते बाश, आप इन पैसों को अपने पास रख लें, लेकिन वहाँ बेबाश नहीं कहेंगे, हम तन्हा बाश को अकेले इस्तेमाल करेंगे। हम दाश्ते बाश कह सकते हैं या दाश्ते बाशीद कह सकते हैं। इन रहा दौशते बाश, जी जी एग्जाम्पल दो। मैं एक ये काम करूँगा कि मैं आपको जो है आखिर पर जो है ना, आज मैं इसके सारे नोट्स जो हैं दो सफ़े के बनते हैं वो आपको जो है शेयर कर दूँगा, इसकी साथ पूरी तौजीहात आपको अंग्रेज़ी में मिल जाएंगी, तो मेरा ख्याल है वो बड़ा आपके लिए आसानी रहेगी। मैं ना एक बच्चे को कह रही हूँ कि ओपन द डोर,
जी और इसको पर्शियन में बोलेंगे कि दर या बास्कुन, तो इसके अंदर मैं इम्पेरेटिव यूज करना चाह रही हूँ पर्शियन के अंदर। जी जी, तो मैं इसमें मैं अभी 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 मैं भी आपसे ये लफ्ज जो है ना खोलना, ये एक मस्तर मुरक्कब है, बाज करदन खोलना, जिसको गुफ्तारी में हम कहते हैं वाज करदन। तो बाज करदन जो है उसका जब हम इम्पेरेटिव बनाना चाहेंगे तो जब हम उसके फेले मुजारे पर या उसके सिता के हाल पर पहुंचेंगे तो वो बन जाएगा बाज कुन। तो जब हम बाजकुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक असूल सीखा या पढ़ा कि जो मरक्कब मसादर होते हैं उसके सिता के हाल या उसके जो फ़ेल मुजारे है उसमें बे का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे बच्चे लुत्फ़न इन दर बाजकुन, बाज बकुन नहीं कहेंगे, उसमें बे का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होगा। ओके जी, तो अब हम चलते हैं आज अपनी किताब मीना की तरफ। जी अब्दाल साहब, मजाज बखैर। अल्लाह का शुक्र सर, ये एक सवाल था कि बुदन का जो इधर यहाँ पर मस्तर वो लिखा हुआ मुजारे वो बवद भी होता है नहीं? मैंने यही अर्ज किया कि बुदन का बवद होता था, मतरूक हो गया, एब्सोल्यूट कर दिया गया है, अब उसकी जगह बाश इस्तेमाल होता है और बाश जो है उससे फिर एक नया मस्दर बन जाता है बाशीदन। और बाशीदन के जब आप तीन फॉर्म लेंगे तो बाशीदन का नून हटाएंगे बाकी बाशीद रह जाएगा, और उसके बाद दाल हटाएंगे बाशीद का तो बाकी बाश रह जाएगा। तो बाशीदन, बाशीद, बाश, ये उसकी तीन हालतें हैं। तो बाश के साथ आप कभी भी जो है बे बाय अमरी को इजाफा नहीं करेंगे, ये भी एक असूल है। ठीक है जी। जी अब्दाल साहब, ठीक हो गया सर? अच्छा जी, किताब मीना से सफ़े शुमार ये 72, 72 नंबर सफ़ा है। खानदान दर्स का उनवान है खानदान यानी पढ़ना, और इसका जो ज़ैली उनवान है वो है खातिरात। खातिरात से मुराद है मेमोरीज़, पुरानी यादें। तो हमने कहीं ये पढ़ तो नहीं लिया हुआ दर्स बातन? नहीं, नहीं पढ़ा सर, मैंने आज नहीं सर, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। चलें जी, डॉक्टर शमीम साहब से इब्तिदा करते हैं। ये पहली दो सत्रें पढ़ें तजुर्बा शुमा। जी सर। अच्छा, खातिरात मेमोरीज़ तजुर्बा शुमा, तजुर्बा शुमा आपका क्या एक्सपीरियंस है? शुमा का बहाल के खातिर इबरत आमोजी तजुर्बा का दिन याद जाई खानदा आई खानदे ई खानदे जी। तुम्हारे पास क्या एजुकेशनल मेमोरीज तुमने एक्सपीरियंस की है, क्या तुमने उनके बारे में कहीं पे पढ़ा है? ठीक है सर। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ। अब वक्तीय नौजवान बुदीद बे क्लास है हाई भी रफ्ती ऊंची सरगर्मी हाई दाश्ती जब हाँ जब तुम छोटे थे उन्हें कह दें क्लास है जब नहीं जब तुम यंग थे तो तुमने क्लासेस के अंदर तुमने कौन सी क्लास में गए और तुम्हारी क्या हॉबीज थी? जी ठीक, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ तजुर्बा ये शुमा। मैंने मीनिंग ठीक बताया जी? आपने बहुत अच्छे पढ़े हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि शायद कोई और कोई नुक्ता जो है बेहतर वाजे हो जाए। तो सबसे पहले जो दो लफ्ज़ हैं तजर्बा ये शुमा, यानी इस बाबत आपका तजर्बा। शुमा था बेहाल छे खातिरे इबरत आमोजी तजर्बे कर दे या दर्जाई खोंदे। सवाल ये है कि आपने आज तक कोई ऐसी इबरतनाक जो याददाश्त है वो आपके तजुर्बे में है, या आपने किसी जगह कोई ऐसी चीज़ पढ़ी हो जिसमें आप कोई इबरत हासिल कर सके?
वक्ती नौजवान बूदी, जब आप नौजवान थे बिचे क्लास हॉई मी रफ्ती, आप कौन सी क्लासेस में जाया करते थे, वह छः सरगर्मी हॉई दोस्ती, और आपकी सरगर्मी या आपकी मशगूलियत, आपके मुख्तलिफ जो है वो सरगर्मियाँ क्या होती थी। सरगर्मी यानी मशगूल रहना, आपकी मशगूलियत क्या थी, बिल्कुल हॉबीज भी आप कह सकते हैं जी, एक्टिविटीज़ इसका बड़ा ही प्रॉपर लफ्ज़ है जो कि उसका लफ्जी तर्जमा एक्टिविटीज़ है। तमरीन ये एक बेनज़र शुमा जुमला ये इब्तदाई हर खौतरे रहा छः इबारत ही कामिल मिकुनात। अब वो कहते हैं सबसे पहला सवाल ये है कि जिस वक्त आपने अपनी कोई याददाश्त को बयान करना हो तो उस जुमले का सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं तो मोहम्मद हुसैन बाबुली व हुशंग मुरादी केरमानी। अब यहाँ देखें कि पहले मोहम्मद हुसैन साहब के पास साथ जो है जो दो जो है ना नस्बतें लगी हुई हैं, एक तो है बाबुली और दूसरा है यजदी। बाबुली उनका जो है वो फैमिली का नाम है और यजदी ईरान का एक शहर यजद है, उनका ताल्लुक वहाँ यजद से बताया गया है। जैसे कि हम कहें कि जनाब मज़हर हुसैन लाहौरी, तो उससे मुराद यह है कि मज़हर साहब का हुसैन जो है या मज़हर हुसैन नकवी लाहौरी नकवी इनका जी 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 चंद लोग के हसन भाई बाबुली पापुली 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 पापुली। अगर मैं क्या कहते हैं इश्तबाह ना करूं तो ये तो पापुली है, एक लफ्ज़ फारसी ज़बान का पोपक भी है, या शायद आपने ये लफ्ज़ पहले सुना है या नहीं, पोपक या पूपक जिसे आप कहते हैं, ये डॉक्टर साहब कभी पढ़ने में गुजरा है आपकी नज़र से लफ्ज़ पूपक? सर कौन सा लफ्ज़? पूपक। जी ये तो शबीर साहब ही बताएंगे कि क्या ये लफ्ज़ इनके नज़र से गुजरा है पूपक। नहीं सुना तो चलो फिर आज सुन ले। तो ये पापल से मुझे पोपक याद आ गया, ये जो हुदहुद होता है उसको पोपक भी कहते हैं। अच्छा सर हुदहुद क्या कहते हैं? पोपक। जी जी जी। फिर उसको शाने बेसार भी कहा जाता है क्योंकि उसके सर के ऊपर कंगी बनी होती है, एक उसका जो ताज है शाने बेसार, शौने कंगी को कहा जाता है। ये बालों में जो कंगी हम करते हैं उसको फारसी ज़बान में शाने कहा जाता है। शाने इस कंधे को भी कहा जाता है, ये भी शाने है, शाने कंगी को भी कहा जाता है, और जो हुदहुद के सर पर उसकी जो कलगी होती है जिसको हम ताज कहते हैं, वो भी चूंकि उसके अंदर जो है वो दांते उसी तरह दंदे होते हैं जैसे कंगी के हैं, तो उसको शाने बेसार कहा जाता है। हुदहुद उसका अरबी का नाम है, फिर उसके बाद उसको फारसी में जो है पोपक भी कहा जाता है। और ज़रा थोड़ी सी आप अपने आप को ज़रा और पीछे ले जाएं, आप में से कई लोग जब छोटे नौजवान होते थे तो आप कार्टून देखते होंगे, तो वुडी वुड पैकर का अगर किसी ने कार्टून देखा हुआ हो तो वुडी वुड पैकर उसके अंदर भी हुदहुद होता है, तो वो जो हुदहुद जो कि दरख्त के तने में अपनी चोंच से सुराख करता है और उसके अंदर खुदाई करता है, तो वहाँ उसका नाम बदल जाता है, फिर हुदहुद नहीं कहते उसको, पूपक नहीं कहते उसको, शौने बेसार नहीं कहते, बल्कि जब वो उस कार्टून में उसका किरदार है तो उसको दारकूब कहा जाता है। दार से मुराद होता है लकड़ी और कूब जो है कूफ्तन से है, क्योंकि वो लकड़ी पर अपनी चोंच मारता है और उससे जो है ना वो बुरादा निकाल कर वहाँ जो है वो सुराख जो है वो अपना बना देता है। तो ये पश्तों में से कहते हैं मुला चरगा। बेवा सर इसका ये
ये जो है ना बोलोगे जैसे वो होती होता सर अमामा जी 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 बस ये देख लें फिर ऐसे जाते जाते मुझे पॉपल से याद आ गया तो वैसे तो आप तो वैसे ये पॉपली जो है ये तो पोपलजई साहब से मिलती जुलती जो है ना मौलाना पोपलजई से मिलती जुलती फैमिली नेम है। तो हम वापस आते हैं जी माशाल्लाह अच्छी रही क्लास में ये चीज़ें होनी चाहिए इस तरह। तो सबसे पहली जो नस्बत है वो पापली जो है ये उनका फैमिली नेम है और यजदी जो है उनकी नस्बत है कि उनका ईरान के शहर यज से ताल्लुक़ है। दोवम ये है कि मुमकिन है ऐसा ही हो क्योंकि ज़रा आप आगे इनकी तफसील आपको मिलेगी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वह हुशंग मुरादी किरमानी। किरमान ईरान का जनूब ईरान के जनूब में एक शहर है किरमान और जो उसका फैमिली नेम है वो मुरादी है। हुशंग मुरादी किरमानी तो किरमानी और यजदी ये दोनों की अपने शहर से नस्बत लिखी गई है। दो नबी संदये ईरानी हस्तन दोनों ईरानी राइटर्स हैं लिखारी हैं। उन्हा दरबार ये खातिरात दौरान कूदकी व नौजवानी खुद किताब नविश्ते बहन उन दोनों ने अपने बचपन और जवानी के अहद की जो है वो याददाश्तें जो हैं वो कलमबंद की हैं या लिखी हैं। अब मौका आ गया कि हम इसको जो है पढ़ें। डॉक्टर शमीम साहबा के नीचे जो है मुझे खाना मकीला का ये नज़र आ रहा है जी। खाना मकीला ये पहली चार एक सत्रें पढ़ दें हमारे लिए बिस्मिल्लाह। वालेकुम सर्दियों और गर्मियों के दरमियान कई बार मन तंदीन बाद कितने वजीरी दफ्तर में कई बार जो है वो दहानत शकर दहानत शकर फारसी ज़बान में जिस वक्त एक शख्स जो है वो गुफ्तगू कर रहा हो और आप उसकी दरमियान गुफ्तगू के दौरान को मुनक़ते करना चाहें तो फिर ये एक छोटा सा जुमला बोला जाता है कि दहानत शकर यानी आपके मुंह में घी शक्कर ज़रा मुझे बात करने दें। दहानत शकर दहान कहते हैं मुंह को दहान मुंह को और दहानत आपके मुंह में दहानत शकर यानी आपके मुंह में घी शकर जो हम उर्दू ज़बान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब खाना मकीला के मुंह में घी शकर मैं असल में ये कहना चाहता हूँ कि जब मुहम्मद हुसैन के आगे वक्ती लिखा हुआ है और फिर उसके बाद चंद नुक्ते हैं डॉटेड लाइन आ जाती है तो इससे मुराद ये है कि जब आपने कभी कोई खातिरात अपनी बयान करनी है जब आपने गुज़रे हुए वक्त के बारे में गुफ्तगू करनी है तो उसका आगाज़ लफ्ज़ वक्ती से करेंगे ठीक है। वक्ती दर तूले पाईज ऐसे है जी वक्ती दर तूले पाईज वज़मिस्तान मन संदीन बहादुर किताब खाने वजीरी रफ्तम मैं खजा और सर्दियों में कई दफ़ा जो है वो वजीरी लाइब्रेरी में गया ठीक और मैंने किताबों को कर लिया और उन्हें पढ़ा यादम की आयत मुझे याद आता है रोजी से दिन के दर हवाई सर्द हवा की गुरूब सर्द हवाई सर्द गुरूब अर्ज किताब खाने पर गश्तम और मैं सर्द गुरूब यानी नहीं ये ऐसा है सर्द और गुरूब के दरमियान में एक इजाफत है तो आप इसको पढ़ेंगे दर हवाओ ये सर्द गुरूब यानी जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होता था और हवा जो है उसमें ज़्यादा ठंडक हो जाती थी खून की ज़्यादा बढ़ जाती थी जी मैं वो लाइब्रेरी से वापस आता था जो है मस्जिद के सामने एक नहीं मस्जिद बरखुरदार
यज्द के सामने, यज्द में एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद बरखुरदार है, यज्द के सामने मर्जी एक आदमी के नाम हसन थी। वैसे फारसी जबान में बरखुरदार शुदन के मानी जो है वो है टू एंजॉय समथिंग, किसी चीज़ से लुत्फ अंदोज होना बरखुरदार शुदन है उसके मानी। लेकिन हमारे यहाँ बरखुरदार जो है वो किसी बच्चे को मुखातिब करना हो तो उसके नाम से पहले इस लकब से उसे मुखातिब किया जाता है। जी आगे चले जी, ये सवाल जा बेफरमाए जी जी अब्दाल साहब, ऐसा है कि जिस वक्त हम मस्जिद बरखुरदार कह देते हैं तो यहाँ जुमला मानी मुकम्मल हो जाते हैं। तो अगर आप यज्द कहते हैं तनहा तो फिर उसके मानी ये हो जाएंगे कि यज्द में फ़लाँ मस्जिद के सामने, बरखुरदार मस्जिद सामने। और अगर आप इजाफत को डबल करना चाहते हैं मस्जिद बरखुरदार यज्द, तो तब भी ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलती वाली बात नहीं है। जी जजाक। एक आदमी हसन के नाम का जो है वो शलगम पकाकर बेचता था। आन जमान उस जमाने में मर्दी एक आदमी सहलोकपन साले 45 साल का लागर अंदाम व मुतवस्तुल कौमी बोझ जो कि थोड़ा सा कमजोर और छोटे कच्चा था। आन बोझ उस दिन जोर बसात को शुरू बोझ वो जरा उससे जो वो रश था उससे वो दूर था, नहीं नहीं सॉरी ये दौर है ना, दूर नहीं है तो यानी कि उसके गिर था रश था उसके गिर मन से वो यक रियाल दा आदम, मैंने उसको एक रियाल दिया व अज वो शरगम खासम और उससे मैंने खैलो खोब मांगा। यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसी को फिर जुमले को पढ़ता हूँ। दारथूले पाइजो जिमिस्तान तमाम मौसम ख़जा में और ज़िमिस्तान में मन चंदीन बौर बे किताब खानी है वज़ीरी रफ्तम, मैं कई मरतबा जो है वज़ीरी लाइब्रेरी में गया किताब हॉई रो खैर्ज भी गिरफ्तम, और मैं वहाँ किताबें जो था वो बारो किया करता था या कर्ज में लिया करता था, वमी खानदम और उन किताबों का मुताला किया करता था। यौदम मी औयत मुझे याद आते हैं रूजी के दर हवा ये सर्द गरूब अज किताब खाने बारमी का इस्तम के उन रोज़ को या उन दिनों को जब मैं या मगरब के वक्त बड़ी ठंडी हवा में लाइब्रेरी से वापस आया करता था। जलू ये मस्जिद बरखुरदार यज और मस्जिद बरखुरदार जो कि यज में है, मर्दी बेनाम हसन तीमसार, ये तीमसार दर हकीकत जो है ये एक रैंक है मिलिट्री का। तीमसार नहीं, ये मेरा ख़्याल है कि मेजर जनरल के लिए ये लफ्ज़ होता है। अगर आप के पास कागज़ पेंसिल हैं तो मैं चंद आपको फ़ौज के रुतबे जो हैं वो लिखा देता हूँ जो कि जी जी। तो ये जो है ये स्टार्ट जी, ये स्टार्ट होता है भाई पूछ रहे हैं कि थोड़े पैसे निकालें। भाई किधर है ये गिनो, 25,000 रुपया होगा जी। तो जिस वक्त एक शख्स जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए जाता है और वो रिक्रूट हो जाता है तो उस रिक्रूट को जिसको हम लांस नायक भी कहते हैं फ़ौज में, तो फ़ारसी में उसको कहते हैं सरबाज सेफर। कोई उसके पास बेचारे के पास रैंक नहीं होता, सरबाज सेफर ज़ीरो रैंक। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो सार्जेंट की पोस्ट आ जाती है, ज़रा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं लांस नायक जग बन जाता है। तो उसको जो इब्तदाई जो सोल्जर है ना सिंपल सोल्जर, उसको सरजूखे भी कहा जाता है।
जूखे दर हकीकत आठ आदमियों का ग्रुप जो होता है ना उसको जूखे कहते हैं फारसी जबान में। सर जूखे यानी वो एक ऐसा फौज का सिपाही जिसके साथ आठ और आदमी भी हों और वो उनको जो है वो लीड भी कर रहा हो। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि एक एक फीता लगा होता है यहाँ, तो उसको हम लांस नायक भी कहते हैं। और जिस वक्त वो फीते एक की बजाय दो हो जाते हैं, पुराना हिंदी का जो आठ होता है उस हिसाब से ये एरो मार्क की तरह लगे होते हैं उनके ऊपर दो फीते, जब दो फीते हो जाएं तो फिर वो गुरुबाने दोवम, और जब एक फीता होगा तो गुरुबाने सेवम। और जिस वक्त ये और दर्जा कम होगा, ये गुरुबाने यकुम जब हो जाएगा तो इसको हम उर्दू में हवालदार बोलते हैं। फौज का हवालदार जो है उसको हम फारसी जबान में गुरुबाने दोवम कहेंगे। इसके दोवम, इसके बाद और ज़रा एक और तरक्की जब हो जाती है इन लोगों की, हवालदार साहब की, तो वो हवालदार मेजर बन जाते हैं। जब वो हवालदार मेजर बनते हैं तो फिर उनको उस्तवार कहा जाता है। हवालदार मेजर को उस्तवार, फिर उस्तवार के बाद जो है हमारे यहाँ अक्सर जब अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं तो फिर वो एक दर्जा आता है सेकंड लेफ्टिनेंट, ल्यूटिनेंट जिसे आप अंग्रेजी जबान का लफ्ज़ जो है तो लिखने में ल्यूटिनेंट और बोलने में लेफ्टिनेंट, तो उसको हम कहते हैं फारसी में सुतवाने सेवम, सेकंड लेफ्टिनेंट सुतवाने सेवम। सेकंड है तो सितवाने नहीं, ये आगे कम होता जाएगा और उधर दर्जा बढ़ता जाएगा। जब आपका सेकंड लेफ्टिनेंट आएगा तो ये सुतवाने सवम है, और जिस वक्त वो लेफ्टिनेंट हो जाएगा तो फिर उसको सुतवाने दोवम कहा जाएगा। सुतवाने दोवम लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद दर्जा आता है कैप्टन का हमारे फौज में। कैप्टन को फारसी जबान में सरवान कहा जाता है, सरवान कैप्टन। फिर कैप्टन के बाद हमारे यहाँ मिलिट्री में एक जो रैंक आता है वो आता है मेजर का। मेजर को हम फारसी जबान में सरगर्द कहते हैं, सरगर्द। सरगर्द के बाद फिर जब तरक्की करता है मेजर साहब करते हैं तो वो सेकंड क्या बन जाते हैं, वो बन जाए लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, लेफ्टिनेंट कर्नल। इसको हम फारसी में कहते हैं सरहंगे दोवम। सरहंग का लफ्ज़ कर्नल के लिए इस्तेमाल होता है फारसी ज़बान में, तो सरहंगे दोवम लेफ्टिनेंट कर्नल। जिस वक्त एक बंदा प्रोमोट होकर लेफ्टिनेंट कर्नल से फुल कर्नल बन जाता है तो उसको सरहंगे तमाम कहा जाता है। अब आगे जो लफ्ज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ वो आपकी किताब में लिखा हुआ है। वो आदमी जो मस्जिद बरखुरदार यज़ के सामने शाम के वक़्त शलजम उबाल के बेचा करता था, जो उसको याद है, उसका नाम हसन तीमसार था। तो तीमसार जो है वो दर हकीकत जो है वो ब्रिगेडियर को कहा जाता है,
फारसी फारसी जबान में तीम सार ब्रिगेडियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुमकिन है, हमारे यहाँ कई ऐसे ही जनरल जर्नैल ये लोगों का नाम रख दिया जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक रिटायर्ड जो ब्रिगेडियर है वो जाकर वो शलजम उबाल कर रात को बेचा करता होगा। तो ये उसके नाम का एक हिस्सा था, ये एक रैंक हरगिज़ नहीं है। तो ब्रिगेडियर जो है उसको कहा जाता है तीम सारे दोवम। फिर ब्रिगेडियर के बाद जब और ज़रा तरक्की हो जाए तो मेजर जर्नल बन जाता है बंडा, मेजर जर्नल। तो ये मेजर जनरल जो होता है इसको हम कहते हैं तीम सारे कामिल। और फिर थोड़ा सी और तरक्की जब होती है मेजर जनरल की तो वो जनरल बन जाते हैं। जब वो जनरल बनते हैं तो जनरल को फारसी ज़बान में फुल तीमसार का नाम जो है वो दिया जाता है। और फिर जब वो सरबराह बन जाते हैं जैसे आपके आजकल हाफिज़ साहब है, हाफिज़ सर, ये लेफ्टिनेंट जनरल को क्या कहते हैं? मेजर जनरल को जी, मेजर जनरल के लिए तीमसार कामिल, इसको लेफ्टिनेंट जनरल भी कहा जाता है। और फिर जो फुल जनरल बन जाता है तो उसको तीमसार कहा जाता है। और जब वो बन जाता है हेड सबका तो फिर उसको सिपाहबुद कहा जाता है। सिपाहबुद जी, सिपाहबुद। और अगर वो फील्ड मार्शल हो जाए तो फिर आर्तिशबुद कहा जाता है। नहीं, आतिशबुद नहीं, आर्तिशबुद। हाँ, आर्तिश है, ये आर्मी को कहा जाता है फारसी जबान में। आर्तिश जो है आर्मी को कहा जाता है। इसके लिए लफ्ज़ निज़ाम भी फारसी में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कहें निज़ाम, जब हम कहते हैं ना कि उन औगा निज़ामी हस, इससे मुराद है उसका ताल्लुक फौज से है। तो निज़ामी होना एक तरफ तो नस्बत यह है कि आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की जो है पैरोकारों में से हैं तो आप निज़ामी भी हैं, लेकिन अगर आप फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप तब भी निज़ामी कहलाएंगे। तो नीरू फोर्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तीनों जो फोर्सेस है, नीरू ये हवाई एयर फोर्स, नीरू ये दरियाई नेवी, और नीरू ये ज़मीनी मिलिट्री। अब एक और लफ्ज़ जो है वो है कशून। काफ करशत वाला है, शीन वाओ नून कशून। कशून का लफ्ज़ फौजी दस्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये आज के लिए काफ़ी है। हम असल दर्स की तरफ लौट आते हैं। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, ये सारी चीज़ें सीधी सादी थी। तो हम आकर रुक गए थे कि मर्दी बिनों में हसन तीम सौर शलगम पुख्तमी फ़रूख्त। ईरान में एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ कि सर्दियों के मौसम में अक्सर ऐसे लोग जो छोटी सी रेड़ी लेते हैं उसके अंदर उन्होंने जो एक बर्तन पतीला रख लें समझ लें, तो उसके अंदर छोटे छोटे शलजम या बड़े भी उनको उबाल कर गर्मा गर्म जो है ना वो बेच रहे होते हैं, निकाल कर जितने किसी ने लेने और जो बनते हैं उसको थाली में डाल कर दिया, उसके छोटे छोटे काशें बना दी उससे चाकू से, और नमक मिर्च आप हंसवे क्या कहते हैं जायका इजाफा करके खा सकते हैं। इसी तरह सर्दियों में जो है चुकंदर जो है उबाल कर सड़क के किनारे जो है वो बेचा जाता है। और चुकंदर जो उबला हुआ होता है उसके लिए जो वो फिर चुकंदर नहीं रहता, या उसको चुकंदर आपाज नहीं कर कहते, बल्कि उसके लिए उसको क्या कहते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अभी याद आता है मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो ये चीज़ें खाने में इतने मज़े की हो ना हो, जिस तरह आप बताते हैं बंदा कहते हैं खा, नहीं मज़ेदार होती हैं ये, मज़ेदार होती हैं। फिर इसके बाद तीसरी और चीज़ सर्दियों में उबाल कर बेचते हैं, हलवा कद्दू जो है तो बहुत मीठा होता है। उसको पहले वो तनूर के अंदर जो है उसका कबाब कर लेते हैं, फिर उसको जो है वो बेचते हैं। तो
ये जो है ये चीज़ें जो हैं ये खाने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हर जगह एक अपना अंदाज होता है। और फिर चौथी चीज़ जो है सफ़ेद चने उबले हुए जो हैं वो भी वो बेचते हैं उबले हुए खाली, और उसमें साबत एक दो मिर्चें डाल दी जाती हैं हल्का सा जायका चेंज करने के लिए, नमकीन चने उबले हुए और गर्म गर्म उसके अंदर पानी होता है। ये चीज़ें वो सर्दियों में जो है आपको जो है वहाँ सड़क के किनारे खाने में मिलती हैं। तो हसन तीम सौर शलगा में पोख्ते में फ़रूख दार उन जमान मर्दी छेलो पाँच सौल है, उस ज़माने में वो 45 साल का होगा, लागर अंदाम उसके जो जिस्म था बड़ा कमज़ोर सा था, वह मुतवस्सितुल काम है और उसका कद भी दरमियाना था। उन रोज़ दौरे बिसात वो शलूक बोध, उस दिन जिस दिन की वो उसको याद है आ रही तो उसकी बिसात जो थी वो जो उसकी रेड़ी थी जहाँ वो चीज़ें बेच रहा है उसको हम बिसात कहते हैं, तो उसके गिर्द लोग बहुत जमा थे यानी गाहक बहुत ज़्यादा थे। मन बे वो एक रियाल दादा, मैंने उसको एक रियाल दिया। ईरान का जो तुमन जो है वहाँ का जैसे हमारा एक रुपया है, तो हमारा एक रुपया तो 100 पैसे का है, ईरानी एक तुमन जो है वो 10 रियाल का होता है। तो वो कहता है मैंने उसको एक रियाल दिया, वह अजू शलगम खौस्तम, और मैंने उसे कहा कि मुझे शलगम दें। याद रहे आपका कि ये शलगम वही सब्ज़ी है जिसे हम उर्दू में शलजम बोलते हैं। और जी जी सर, ये जो बिसात के साथ दौर है, ये दौर किस महीने में होता है? दौर यानी इर्द गिर्द, दौर बिसात है लफ्ज। हाँ, उसके अतराफ में खड़े हुए थे लोग। तो शलगम वही है जो शलजम है। वो चंद नफरी रो रोह अंदाख, यानी उसने चंद आदमियों को चलता किया, यानी जब चंद आदमियों को उसने सौदा दे दिया। वक्त ही दोबारा गोफ्तम, जब मैंने दोबारा उसे कहा कि शलगम मराबे दे, कि तुम मेरे शलजम भी तो मुझे दो। वो अजमन फूलिश रखास, तो मुझे उसने कहा कि मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें शलजम दूंगा, हालांकि ये साहब कहते मैंने उसको पहले एक रियाल दे दिया था। गुफ्तम एक रियाल दादम, मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हें एक रियाल दिया है। वह उगुफ ना दो दी, उसने कहा नहीं तुमने नहीं दिया। मन बाउज गुफ्तम फूल रदादम, मैंने फिर उसे कहा कि मैंने पैसे तुम्हें दे दिए हैं। वह उगुफ ना दो दी, और उसने कहा तुमने नहीं दिए। मनस शलगम खुर्दन किनारे खियाबुन खिजालत में कशीदा, कहता मेरी वैसे तबीयत ऐसी थी कि मैं सड़क के किनारे जो है वो शलजम खाने में बड़ी शर्म सी महसूस किया करता था। हवा हम दोश तारीख में शोद, और मौसम भी जो था उसमें यह था कि तारीकी बढ़ रही थी। मी तरसीदम दीर बे खोने बे रसम, मैं डर रहा था कि मुझे घर पहुंचते देर हो जाएगी। रो हमरा गिरफ्तम के बेरवम, मैंने अपना रास्ता लिया कि मैं जाऊं। हसन तीम सौर बे अतराफियों नशगोफ, और हसन तीम सार ने वो जो लोग उसके अतराफ में खड़े थे, बे अतराफियों नशगोफ, अगर इन बच्चे ये क्रियोल बेमन दौदे बुद, उसने उन लोगों से कहा अगर इस बच्चे ने मुझे एक रियाल दिया होता, बे आसानी रोहिश रो नमी गिरफ, वो इतनी आसानी से ना चला जाता। वली मन रफ्तम व आमुख्तम, के हमीशे अव्वल जिन्स रा बेगिरम व बाद फूल बेदम, लेकिन कहता उसने तो जो अपने कमेंट्स देने थे दे दिए, लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी, जिस चीज़ की मुझे इबरत हासिल हुई इस वाक़े से, और मैं वो चल पड़ा था बग़ैर शलजम का तकाजा किए, वो ये था कि जब भी आपने कोई सौदा लेना हो तो आप पहले पैसे मत दें, पहले सौदा लें और फिर पैसे दें। ये एक इबरत आमोज जो वाक़या था जो उसको आया, और उसने ये सबक वहाँ से हासिल किया। चलो 5 साल हम ही खौर रमी कुनम, इस वाक़े को गुज़रे 45 साल हो चुके हैं, 45 साल के अरसे में मैं यही काम करता आया हूँ, अब मैं किसी को एडवांस में पैसे नहीं देता। अब ये थी अगे हुसैन मोहम्मद हुसैन की याददाश्त। अब इसके बाद
हुशंग जो है वो अपनी कुछ याददाश्त के बारे में बयान करते हैं। जी डॉक्टर शबीर साहब आप पढ़ें। बले सरने फोनम होशन वाकी बदोता अस बच्ची हा रोजनामे ये दीवारी ये आओ भाई ये कैसे चांद निकला है हैं एकेडमी गया बता हां तो बड़ा रश एक्सप्रेस पे अच्छा जी बस आ जाओ बैठ जाओ जी वाकी بدو تا از بچه ها روزنامه های روزنامه دیواری را انداختیم به نام بهشت سخن جب کہتا کہ جب میں نے بدو تا از بچه ها دو بچوں کے ساتھ مل کر روزنامه دیواری میں نے ایک جو ہے وہ وال نیوز پیپر جو تھا उसको उसकी इब्तिदा की और उसका नाम जो था वो था बहिश्त सुखन उस न्यूज़पेपर का नाम। जी तो ये ऑन मगाले हा व दास्तान हा ये पुरशूरी अज वजह ये मदरसे व इज्तिमा भी नविश्तम तो उसके अंदर मैंने मकाले या मज़म्मीन व बड़ी पुरजोर जोश जोश खरोश से भरपूर और मदरसे की हालात से जो है वो भरपूर जो है वो कहानियां मैं लिखा करता था। कॉरम गिरफ्ते बूद तो मुझे मेरा काम मिल गया था पूर्ण दोष नहीं कॉरम गिरफ्ते बूद से मुराद ये है कि मेरा काम रुक गया। अच्छा सर अब वो काम चल नहीं रहा था काम उसका रुक गया पूर्ण दोष बस हमारे पास पैसे नहीं थे और ये महजूनी खाल जो मखारिज रोजनामे रो मीदाद जो मिस्टर महजूनी जो थे वो जो एक्सपेंसेस और जो अखबार के अखराजात वो बर्दाश्त करते थे खाब वो शीशे और मकवा वो खदकिश और पुरकार मीदाद रंगी व इन जो चीजें हा تو یہ روزنامه چیزی هایی تندی بھی نوشتم که خلاف مدرسه بود اب اون چیزوں کے بارے متاتے سے خواب ہوگی کہتے ہیں کلم ہوگی شیشہ ہو گیا یعنی دوات ہوگی اور اسی طرح جو ہے وہ پرکار ہوگی کلر پینسل ہوگی اور فوٹا ہو گیا اور باقی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیتے تھے اور تو یہ روزنامه چیزی ها تندی بھی نوشتم میں جو ہے उस अखबार के अंदर बहुत तेजी से लिखता मदरसे के खिलाफ लिखता था और जॉई के दो चार सेंसूर में शुदम तो मैं कहते हैं उसमें सेंसूर सर सेंसर अच्छा हाँ मुझे जो है वो सेंसर का शिकार जो है मैं हो गया जरूरी मकाले की भी गिरफ्तार जिस मकाले को उन्होंने पकड़ा कागज सफीदी رویش می چسپاندن و می نوشترم تو اس کاغذ کے اوپر میں نے جو ہے وہ لگایا اور کیا لکھا وہ اس کے اوپر میں نے سر مغالی رفت اندر تو یہ قیف تو اس کو میں لکھا ہوا تھا مقالے کے اوپر کہ سر مغالی رفتی ہیں کہ وہ مقالے کے اندر یہ اب میں اسی پیراگراف کو آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں حوشنگ وقتی بدو تا از بچه ها روزنامه دیواری را انداختیم جب میں نے دو اور بچوں کے ساتھ مل کر ایک اخبار جو تھا اس کو چلانا شروع کیا را انداختن یعنی کسی چیز کی ابتدا کرنا بنام بهشت سخن جس کا نام بهشت سخن تھا توی اون مقاله های و داستان های پرشوری از وضع مدرسه اس اخبار کے اندر بہت ساری پرجوش داستانیں اور مدرسے کے حالات و اجتماع می نوشتم اور جو ہمارے سوشل اس وقت واقعات تھے وہ میں اس میں لکھا کرتا تھا کارم گرفتے بود میرا کام جو تھا وہ کچھ رکا ہوا تھا پول نہ داشتم یہاں دونوں معنی اس کے لے سکتے ہیں کہ کارم گرفتہ بود سے مراد یہ ہے کہ میرا
गिरफ्तार, मेरा काम तो चल निकला था लेकिन फूल ना दास्तान। वह आगई महजूनी, जो जनाब महजूनी थे, हर जो मखारज रोजनामे रमीदात वो तमाम अखराजात अखबार के वो देते थे। काबो शीशे व मुकव्वा, मुकव्वा कहते हैं गत्ते को, काब कहते हैं फ्रेम को, शीशे जो है वो शीशा शीशा ही है, यानी वो जो रोज़नामा जो था उसको क्या करते थे कि एक कागज़ के ऊपर तमाम खबरें मकालात लिखकर तो उसको एक फ्रेम के अंदर रखकर ऊपर शीशा लगाकर दीवार के साथ लटका दिया जाता था। तो ये रोज़नामा दीवारी की शक्ल थी, तो उसके अंदर कागज़ की ज़रूरत पड़ती थी, फ्रेम की ज़रूरत पड़ती थी, शीशे की ज़रूरत पड़ती थी, व ख़त के शो पोरकार व मिदाद रंगी, उसके अंदर एक रूलर, परकार और कलर पेंसिल जो थे, या इन जुर चीज़ हा या इस जैसी और चीज़ी अशिया की ज़रूरत थी जिसके पैसे आगे माजूनी दिया करते थे। तू ये रोज़नामे चीज़ हो ये तुंदी मी नविश्तम, और मैं उस अखबार के अंदर बड़ी सख्त चीज़ें जो थी वो बयान करता था के ख़िलाफ़ मदरसे बूद, जो कि मदरसे के ख़िलाफ़ होती थी, स्कूल के ख़िलाफ़ होती थी, ताजाई के दोचारे सनसोर में शुदन, और उस पार्ट में जहाँ कहीं वो मेरा जो मकाला होता था, मज़मून होता था, जहाँ वो सेंसर के हत्थे चढ़ जाता था, जलो ये मकाले रा के मी गिरफ्तन, जिस वक्त वो उसके आगे रुकावट बनते थे, कागज़ सफ़ेदी रोशमी चस्पांदम, तो मैं क्या करता था कि एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर जो था वो गिलू के साथ चिपका दिया करता था ताकि वो पढ़ने में ना आए। कागज़ सफ़ेदी रोशमी चस्पांदम व मी नविश्तम, और मैं लिखता ये था कि सरे मकौला राफ्त अंदर थू ये कीफ, के इस जो आर्टिकल का उन्वान जो है ये कीफ़ के अंदर चला गया, कि यानी उसके कागज़ का हमने कीफ बनाई है, तो वो कीफ जो है वो उसके अंदर इसकी जो हेडिंग जो है ना वो गायब हो गई है। तो सर मकाला जो है वो दर हकीकत जो है सर मकाला इदारिये को भी कहा जाता है। तो वो कहते थे कि अगर इदारिया जो है उस पर कोई इतराज़ आ जाता, सेंसर हो जाती, तो फिर उसका आसान हल यही था कि उस जगह जो है हम सफ़ेद कागज़ लगाते, तो साथ लिखते कि सर मकौला है रफ्ते तू ये कीफ, और वो जो इसका इदारिया है उसका हमने कीफ बनाकर जो है ना वो फेंक दी है। तो ये अक्सर ऐसा ही होता है कि आखिर पर अखबार शाम के वक्त वो अखबार जो है वो रद्दी की टोकरी में चला जाता है। आपने आइसक्रीम अक्सर आपको खाने में बच्चे जाते हैं तो वो जो आइसक्रीम कोन आइसक्रीम मिलती है उनको बच्चों को, या आप जो ये कौन सी आइसक्रीम है जी जो वाल्स की जो पड़ी होती है उसके अंदर कौन हाँ, तो वो उसको हम बस्तनिया कीफ ही कहते हैं फारसी ज़बान में, क्योंकि वो कीफ के अंदर रखी होती है दर हकीकत। तो बस्तनिया कीफी से मुराद है कौन आइसक्रीम। तो ये था आज का ये दर्स, हम अगले तमरीन दो को पढ़ते हैं, तो यहाँ फिर हम आपकी इजाज़त से तमाम करेंगे। आ जाते हैं, कौन है डॉक्टर मज़र साहब, आपने हिस्सा नहीं लिया, आप पढ़ लें ये आखिरी ये जो तमरीन है बात तवज्जो बे मातन। ये तमरीन जो है इसके लिए आपको जो है वो चार जुमले यहाँ लिख दिए गए हैं, आपने एक एक जुमला पढ़ना है और फिर आपने मुशख्खस करना है कि क्या ये जुमला इस मतन में है या ठीक है या गलत है या इस मतन में है ही नहीं। तो इब्तिदा करते हैं अब्दाल साहब से, ये पहला पढ़ें जी हसन तीमसार। हसन तीमसार सर एक मिनट सर जी जी
ये कि पहला किसी से पढ़वा ले, मैं दूसरा पढ़ लेता हूँ। जी ठीक है जी, खाना मकीला बेफरमाइत। गलत है, क्योंकि वो जो है कद बुलंद नहीं था बल्कि मुतवसतुल कामा था। ये अरबी की जो है वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। जी जी अब्दाल साहब आप पढ़ेंगे दूसरा जुमला। हसन तिमसार जुलूए ये किताब कौन है, शलगम मफरूख ना। गलत, ये भी नहीं है। हाँ ये नादुरुस्त है। हाँ नादुरुस्त है जी। अब किसकी बारी आ जाएगी? आ जाएगी डॉक्टर शमीम साहबा की। जी جهوشن خزینه های روزنامه را خودش پرداخت می کرد. جی. پرداخت می کرد. هوشنگ اپنا خودی سارا سب چیز خودی پی کر رہا ہے۔ اخبار کے تمام اخراجات خود برداشت کرتا تھا، یہ نادرست ہے۔ اخبار کے اخراجات آغای محزونی برداشت کرتے تھے، تو یہ جملہ غلط ہے۔ جی اب باری آگئی شبیر احمد صاحب کی۔ جی وضعیت اجتماعی آن روزها چندان مطلوب نبود، اس دور ان دنوں کی جو ہے جو ان دنوں کی جو سوشل جو ہے وہ حالت تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ نہیں، لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کے، یعنی مطلوب نہیں تھی، لوگ یہ نہیں جاننا چاہتے تھے کہ بھئی کیا حالات ہے، یعنی معاملہ سکون سے چل رہے تھے۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ بھی پورے اس میں نہیں ہے، اس میں مت میں نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کیا آپ اور صفحہ پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ اجازت نہیں؟ سر کل کر لیں گے۔ جی بہت بہتر جی، اصل میں سر یہ تو کچھ آج تو جو آپ نے آرمی کے نام کیے نا، ان کو ساروں کو بھی بیٹھ کے یاد کریں۔ چلے انشاءاللہ، بہت بہتر جی، خدا حافظ، شما السلام علیکم۔